हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर ऑफ डेथ में। सभी भाइयों और मेरी बहनों को जय श्री राम। और आपका भाई पहुंचा एक हॉन्टेड जंगल भी है, जहां पे एक शमशान है आदिवासियों के, जो कुछ टाइम पहले, आज के काफी वर्षों पहले, मतलब जैसे 10-20-15 साल पहले आदिवासियों में के कोई शमशान नहीं होते थे, उनको मुंह जला के एक नदी या पानी की तालाब में डाल दिया करते थे दोस्तों। तो जैसे मतलब भारत सरकार को पता चला इनके बारे में कि इस समाज में, आदिवासी समाज में ऐसा होता है कि मतलब मुंह को जला के इसमें डाल देते हैं नदी में, तो उनको दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी, उनकी आत्माएं वहीं भटकती थी जहां उनका मतलब वो मुंह जला के उस नदी में डाला करते थे। तो दोस्तों आज मेरे एक सब्सक्राइबर भाई के कहने पर आया हूं मैं कि मतलब एक ऐसे शमशान है वो जो रात को 12-1 बजे कोई महिला घोरी या महिला तांत्रिक है जो मतलब एक शमशान में आके अपनी क्रियाएं साधनाएं करती है और अपनी शक्ति जागृत करती है दोस्तों। तो मैं यही पता करने आया हूँ कि मतलब वाकई वो यहाँ पे है या नहीं है दोस्तों। मैं गूगल टाइम बता था आपको, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं है। मैं खुद आपको बैकग्राउंड देख के पता लग रहा होगा कि बहुत ही घना जंगल है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, एक बार चलते हैं लोकेशन की तरफ। और मेरे जिस सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया था, तो मैंने उनको बोला कि एक बार आप भी चल लो हमारे साथ। तो मतलब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए उन चीज़ को लेकर कि मतलब वो महिला महीने में मतलब हर संडे को रात को 12-1 के बीच में यहाँ पे आके अपनी तांत्रिक क्रियाएं साधनाएं करती है। अब पता नहीं वो अपनी शक्ति जागृत करती है क्या करती है, तो पता यही करता है कि वो शमशान में है या नहीं है। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखना यार, स्किप मत करना वीडियो को, तब जाके पता चलेगा कि स्टोरी में क्या है। और जो भाई मैं क्या चीज हूँ, हवा आ गया उधर से थोड़ी, आगे हो चलो चलो। ओ भाई भाई भाई, वो वाइट पे गया। नहीं नहीं, वो कैमरा में कैप्चर हो रहा है क्या? वो नहीं, कैप्चर नहीं हो रहा वो, थोड़ा आगे चलो आगे चलो। लाइट तेज करो हल्की सी, करता हूं अच्छा। मन पे थोड़ा ध्यान से। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको मतलब कि वो महिला अघोरी जो है अपनी तांत्रिक क्रियाएं करके अपनी शक्तियां जागृत करती है यहाँ पे, और मतलब इस शमशान में आने से जो यहाँ के आसपास जो आदिवासी लोग हैं वो भी डरते हैं। कुछ ही दूरी पे यहाँ पे एक तालाब भी है, जहाँ पे मतलब कुछ टाइम पहले, आज के 15-20 साल पहले, मतलब शवों को जला के, मुंह जला के उनको मतलब नदी में डाल दिया करते थे, तो उनका मोक्ष नहीं होता था, वो आत्माएं यही भटकती थी। आवाज आई ना कुछ उधर से, पीछे की तरफ से आवाज आ रही है यार, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पे जंगल का, और ये जो शमशान है ये है डूंगरपुर स्थित, हमारे राजस्थान में एक डूंगरपुर इलाका पड़ता है जहाँ आदिवासियों का ये एक जंगल है। तो भाई कुछ नहीं यार, कुछ लगा जैसे पीछे कोई है, डरो मत। आ जाओ तो दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा है जानवरों का, और हम आए हुए दो ही भाई, कैमरामैन अपने सागर भैया और आपका भाई मोनू भैया। ये समझा ना? अरे हाँ, वहाँ पे कुछ रखे हुए हैं। मोनू भाई थोड़ा संभल के यार। ओ भाई आग लग रही है। भाई 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 क्या हुआ भाई, आग लग रही है उधर। रुको भाई, समझा उधर भी है। मोनू भैया उधर क्या हो रहा है? मोनू भैया रुको, ज्यादा दूर में जाओ मोनू भैया, रिस्क है। रुको रुको, थोड़ा आगे चलते हैं। रुको, हो सकता है कोई मतलब शमशान और वहाँ पे कोई मुर्दा जला के गए हो आज ही है। रुको 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 दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये भी एक वो शमशान है, इधर लाना, आ गया एक मिनट। ये जो है ये शमशान है दोस्तों, ये कुछ क्रियाएं करी हुई है शायद, ये जो ये मटके वटके आते हैं जो कि वो अंगारे लाते हैं जलाने के लिए। ये क्या चीज़ है भाई, होती तो यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं वगैरह। हाँ भाई, वो कपड़े मुर्दों के ना। हाँ भाई, वो क्या है, कोई मुर्दा जल रहा है क्या? एक बार चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा पास चल के देख के आते हैं। रुको मन पे, थोड़ा ध्यान से चलना यार। ये वही कपड़े हैं जो मतलब एक अंतिम विदाई होती है इंसान की, ये कपड़े है वो जो मतलब कई बार पता करते, वो शायद हो सकता है भाई। शमशान से भाई भाई भाई, थोड़ा पास चल के देखते हैं।
भाई कुछ खराब है यार ये, भाई कुछ खराब है यार ये, है ना भाई? हाँ भाई कुछ खराब है, मेरे को लग रहा है जहाँ तक हमें पास नहीं चलना चाहिए उसके। हाँ ज्यादा पास जाना गलत हो जाएगा। हाँ कैमरे में कैप्चर हो रहा है ये? हाँ कैमरे में करने का दिखा के लाया पास से। भैया कुछ साधना कर रही है ये, दीपक जल रहा है ना? वो दीपक जल रहा है वहाँ बीच में देखो कुछ। ओ भाई भाई क्या हुआ भाई, उधर क्या हुआ कोई? रुको मेरे को भी आया उधर से कुछ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मतलब है ना, जो ये क्रियाएं साधनाएं होती है ये इसी टाइम पे ज्यादा होती है, मतलब कि जब रात के 12 1 बजे हो इस टाइम में ये क्रियाएं होती है, अपनी शक्ति जागृत करती है। जो अघोरी बाबा लोग होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, और अभी हमने जो आपको शमशान दिखाया ये शमशान, वो ये दोस्तों जो मतलब कि जिनके बारे में बताया गया कि यहाँ पे कोई महिला अघोरी तांत्रिक अपनी क्रियाएं साधनाएं करती है। जब हम आए तब तो कोई भी नहीं था, और शायद इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, हाल ही में ये करा हुआ है, कोई पुराना नहीं है, ताजा है, क्योंकि दीपक भी जल रहा है इसमें। एक बार दीपक जूम करके दिखाओ भैया, सागर भी अगर जूम करो हल्का सा, ये आज का करा हुआ है ना अभी का। हाँ भाई ओ भाई यहाँ पे भाई 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 क्या हुआ भाई यहाँ पे क्या हुआ? चल थोड़ा आगे चल के आते मोन भाई, लेकिन ध्यान से यार। दोस्तों मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि मतलब कितना डेंजर और कितना खतरनाक जंगल है, और यहाँ के जो माहौल है आसपास में डीप, मतलब ये इतना डीप जंगल है कि मतलब आसपास में जो भी गांव सिटी वगैरह है वो कम से कम यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी में है दोस्तों। और हम 5 किलोमीटर की दूरी पे कोई मेन रोड है जो कोई गांव में जाती है, वहां पे हम जो हमारा एक सब्सक्राइबर भाई था उनको छोड़कर आए, और उनके साथ में उनके चाचा जी है। मतलब उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया था कि हम उस शमशान में नहीं जाएंगे, तो चलते एक बार दोस्तों शमशान की तरफ वापस, और मैं आपको एक बार दिखा दूं शमशान, क्योंकि मेरे को लग रहा जाता था कि शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ हो। मन भैया हो भाई, दीपक कैसे जल रहे हैं वहाँ पे? कहाँ पे भाई? मन भैया हो गया मन भैया, कोई है? हाँ भाई पता नहीं, कोई खड़ा है वहाँ पे शायद कोई। मन भैया ध्यान से यार भाई, थोड़ा पीछे हो जा, कैमरे में कैप्चर हो रहा है क्या? हाँ भाई मैं जूम करता हूँ, रुको। तो लाइट तेज कर, लाइट करो उन भी एक बार आ गया हो, बोलना मत बिल्कुल भी ना। हाँ भाई भाई वो मूवमेंट कर रहा है भाई, वो हिल रहा है। मन भी ध्यान से यार आ गया हो। मन भी क्या हो रहा है? मन भी क्या हो रहा है भाई? आग लग, आग लग रही है मुन भी, क्या हो रहा है? जल्दी चलो भाई, ये क्या चीज है भाई? वो तो हिल रही है भाई, उसमें पूरा आग लग रही है भाई। भाई भाई इसकी आग लगी थी यार ऑटोमेटिक, वो देखो भाई वो नीचे बैठ गई। मुन भी क्या है यार वो भाई, कैमरे में कैप्चर हो रही है ना एक बार? हाँ भाई देखिए कैप्चर करो, जूम जूम मुन में देखो, कुछ क्रिया कर रही है यार भाई। ये वो अघोरी तांत्रिक जो है इसके बारे में बताया था ना भाई, यार जूम ही नहीं हो रहा है वो, जूम क्यों नहीं हो रहा है ये भाई? क्या हो रहा है यार भाई, जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? वो क्या कर रही है यार भाई? यार गलत आ गया बस जंगल में भाई, मन में संभल के दोस्तों। ये कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है यार, ये तो कोई तांत्रिक ही, गोरी तांत्रिक जो होती है भाई। कैमरे में कैप्चर हो रही है? हाँ भाई। जूम क्यों नहीं हो रहा है यार ये? भाई जूम नहीं हो रहा यार, आगे देखो ब्लर मार रहा है, पता नहीं यार वो क्या कर रही है यार भाई। भाई वो हिल रही है यार, चलते हैं अपन, मेरे को यहाँ पे रुकना सही नहीं लग रहा है
भाई टाइम बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, अपन गलत टाइम पे आ गए मेरे को जहाँ तक लग रहा है। भाई 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 आगे जाना भी भाई, कैप्चर करते हैं उसको, रुको भाई, दूर दूर हो रही है चारों तरफ, ये क्या हो रहा है भाई? भाई कैप्चर नहीं हो रही यार, देखो यार क्या हो रहा है भाई, ये जगह सही नहीं है। मोनी भाई उससे बात करने की कोशिश करो एक बार। भाई वो जल रही है पूरी, मोनू भैया क्या हो रहा है यार, भाई भागो भाई, जल्दी भागो यार।